बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे फेस पैक जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं और आपको अपनी स्किन बहुत अच्छी करनी है, तो उसके लिए हम ये फेस पैक तैयार करेंगे। तो वो जो हम घर में ही हमें, तो सबसे पहले हम बेसन लेंगे, इसमें से 1 चम्मच बेसन की ज़रूरत होगी हमें। ये हल्दी है, इसमें से 1/4 चम्मच हल्दी लेंगे हम। ये हमारी घर में पिसी हुई हल्दी है, जो कच्ची हल्दी सुखा कर हमने हल्दी पीसी है। अगर आपकी किचन वाली हल्दी है तो 1 चुटकी लीजिएगा। अब इसमें 1 चम्मच हम शहद डालेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। चारों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको घर में ही इजीली अवेलेबल होती हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक पैक तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से हमने पैक तैयार कर लिया है। अब इसको लगाना बताते हैं। तो हमने ये पहले थोड़ा सा कच्चा दूध ले लिया है। कच्चा दूध जो है वो क्लिंजर का बहुत अच्छा काम करता है। इसे कॉटन से इस तरह से लेंगे और अपना फेस इससे ऐसे अच्छे से साफ कर लेंगे कच्चे दूध से। अपना फेस अच्छे से साफ करने के बाद, ये पैक अब सूख गया है, इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। ये हमने इसको ठंडे पानी से वॉश करके क्लीन कर लिया है। इसके बाद आप अपने फेस पर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। ये देखिए, एक ही बार में दोनों हाथों में फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको, तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हाथ को आपने धो लिया है ठंडे पानी से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, एकदम चिकना सा हो गया है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और आपको हमें बताइए कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी इससे, और आप ये इसको रोज़ लगा सकते हैं। ये शीशे जैसी चमकदार अगर आपको स्किन करनी है अपनी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई रेमेडी के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।